दोनों जिला प्रशासन और हमारे कलेक्टर साहब और पुलिस दोनों जो अच्छे प्रयोग का इस्तेमाल किया गया है, उदाहरण के तौर पर पुलिस के द्वारा साइबर सेल सेटअप किया गया है जहां कई जगह उदाहरण पे राशि वापस आ चुकी है, बाल विवाह की कठिनाइयों के आधार पर जो नात्र झगड़ा मुक्त राजगढ़ का हमने एक संदेश और एक नारा लगवाया है और उसी के आधार पर राजगढ़ आए कि कैमरास सदैव पूरे राजगढ़ में लग जानी चाहिए ताकि अगर कहीं भी कोई घटना हो तो उस घटना का जल्द से जल्द समाधान भी हम लोग निकाल पाए। तो इन सारी योजनाओं के तहत आगे की रणनीति हम लोग बना रहे हैं और इसी के साथ साथ स्वयं सहायता समूह के हमारे कई महिलाओं की कहानी भी आज हमने आज यहाँ सुनी। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जिस आधार पर हमारी महिलाओं ने अपनी आजीविका केवल नहीं लेकिन अपने परिवार की आजीविका, अपने गांव की आजीविका और अपने ब्लॉक की आजीविका को प्रभावित किया। कई ऐसे उदाहरण हमने सुने हैं जहां एक स्वयं सहायता समूह में जो दूध उत्पादन करते हैं 12,000 महिलाएं, और कई ऐसे कहानियां भी सुनी हैं जहां एक छोटा सा समूह ने शुरुआत की थी मिर्च मसाला एकत्रित करने का, उसके बाद पैकिंग मशीन खरीद कर उसे पैकिंग किया, गाड़ी खरीद कर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया और आज एंड टू एंड नेटवर्क पर वो महिलाएं चली। फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी अनेक कहानियां हमने सुनी जहां महिलाएं बेरोजगार होती थी, 37 लाख रुपए कमा रही हैं और अपने लिए भी गाड़ी खरीदा, अपने पति के लिए भी गाड़ी। तो ये आत्मनिर्भर भारत की नई कहानी है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संभव हो पाई है। बहुत सारी चीज़ें सीखने के को भी मुझे मिली हैं राजगढ़ के इस एक दिवस के प्रवास पर, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और खुशनसीब समझता हूँ कि इस वातावरण में मुझे कुछ सीखने को भी मिला और कुछ निर्देश भी देने को एक मौका मिला। योजनाएँ कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में है। कुंडालिया बृहद परियोजना है 3,500 करोड़ की, जल निगम की योजना है 1,100 करोड़ की, सुठालिया परियोजना है 1,375 करोड़ की, पार्वती की परियोजना है और उसी के साथ रेलवे की भी परियोजना है जो 83 गांव इससे लाभान्वित होंगे। मैंने प्रशासन से निवेदन किया है, प्रभारी मंत्री जी और सांसद महोदय से भी निवेदन किया है कि आने वाले समय में एक प्लान उपलब्ध हो इस पूरे राजगढ़ क्षेत्र के लिए और उस प्लान में इन 4 मुद्दों पर जो मैंने रेखांकित किया है, आगे की क्या गतिविधि होगी, क्या प्लान है और उसका क्रियान्वयन क्या होगा और उसके रिजल्ट्स को हम लोग कैसे मॉनिटर करेंगे। हमें आउटलेज के अतिरिक्त आउटकम्स पर अपना ध्यान देना है कि जो राशि निवेश की गई है उससे क्या बेहद अच्छी सुगम नतीजे जनता के लिए उपलब्ध हो पाए। तो ये मैंने निवेदन किया है कि उन 4 पैरामीटर्स पर ये हो पाए। हमने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि 2-3 क्षेत्र जहां जन आंदोलन अनेक योजनाओं को हम लोग बना पाए, उदाहरण के तौर पर कुपोषण, उदाहरण के तौर पर कृषि में उपज की बढ़ोतरी, उदाहरण के तौर पर जनधन की योजना। और इसी के साथ साथ मैंने ये भी निवेदन किया है कि जिले स्तर पर मॉनिटरिंग के अलावा हम लोगों को ब्लॉक लेवल स्तर पर मॉनिटरिंग करना होगा। ब्लॉक एक बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है किसी भी प्रशासन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और योजना के क्रियान्वयन के लिए। तो ब्लॉक लेवल पर राजगढ़ में भी हम लोग एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण निर्मित करें, किन ब्लॉक्स में कौन से क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, किन ब्लॉक्स में हमें अतिरिक्त कार्य करना है। हम लोग इस प्रगति के रास्ते पे चलेंगे, एक सारे स्कीम्स की कन्वर्जेंस हो वो प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए, उसी के साथ साथ एक जिला दूसरे जिले के प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में, और तीसरा सी है
कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ में मिलकर कार्य करें, तो कोलैबोरेशन, कन्वर्जेंस, कंपटीशन और कोलैबोरेशन, इन तीन सिद्धांतों के आधार पर ये संभव हो पाएगा। हमने ये भी रेखांकित किया है कि जो जिला उस माह में पहले नंबर पर आए प्रगति के रूप में, उसे 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे एक मूलभूत योजना के लिए, और जो जिला 2 नंबर पे आए उस माह में, उसे 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इस एक योजना के लिए उस ढांचे के आधार पर। इसी के तहत आज राजगढ़ जिले की पूरी समीक्षा मैंने की है, और इस समीक्षा में जहां राजगढ़ ने कई क्षेत्रों में बहुत अच्छी प्रगति की, उदाहरण के तौर पर हमारे गर्भवती महिलाएं और बच्चों के न्यूट्रिशन के आधार पर जो प्रगति हुई है, महिला मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में जो गिरावट आई है उसके आधार पर अच्छी प्रगति हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों और शिक्षकों के बीच में जो रेशियो होता है उसमें 80% से 100% तक हम लोगों का सैचुरेशन हो चुका है, मतलब राष्ट्र के औसत से भी हम लोग करीब करीब उस श्रेणी में हम लोग आ चुके हैं। इसी के साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां हमें तीव्र गति से और ज़्यादा प्रयास करना होगा राजगढ़ जिले में।